आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज आरोग भारती के तत्वावधान में महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में स्वस्थ जीवन शैली विषय गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय ने कहा कि आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवाभावी संगठन है। स्वास्थ्य सेवा का विषय आने पर सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में निःशुल्क चिकित्सा एवं औषधि वितरण का भाव आता है। निसंदेह यह स्वास्थ्य सेवा है, परंतु स्वास्थ्य सेवा है जिसको आयुर्वेद में कहा गया है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, या दूसरा सामान्य व्यक्तियों में स्वयं स्वस्थ रहने के लिए जागरूकता पैदा करना। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में आरोग्य भारती स्वस्थ जीवन शैली विषय गोष्ठी का आयोजन करना और स्वास्थ्य प्रबोधन का कार्यक्रम विद्यालयों और गांव में किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाले अन्य संगठन भी इसी पद्धति को प्रमुख मानकर कार्य करते हैं। निरोग रहने के लिए सामान्य रूप से दिनचर्या में आहार विहार उचित आचरण का प्रमुख स्थान है। रोगों से मुक्त रहने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, योग, ध्यान इत्यादि प्रमुख है। अपनी आकांक्षा है कि सामान्य व्यक्तियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए, स्वस्थ परिवारों की संख्या में वृद्धि हो, सामाजिक एवं स्वास्थ्य वर्धक वायुमंडल बने जिसका परिणाम स्वस्थ राष्ट्र के संवर्धन में होगा एवं वैश्विक हेल्थ इंडेक्स में भी वृद्धि होकर प्रभावी भूमिका में रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश बर्नवाल जी द्वारा मुख्य अतिथि को भगवद गीता की पुस्तक और तुलसी का पौधा देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजीव सक्सेना और डॉक्टर सालनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से आरोग्य भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान गोविंद जी, आरोग्य भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीत नारायण मिश्र, डॉक्टर संजय भट्ट, डॉक्टर एच के मिश्र, जयंत नाथ, राम मनोहर शर्मा, पंकज चतुर्वेदी, निखिल दुबे, डॉक्टर प्रकाश कुमार आदि उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए सत्येंद्र कुमार राव की रिपोर्ट। विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ, अलग अलग लगभग रोजाना ही कोई ना कोई एक समूह मेरे सामने रहता है और सभी प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के भी रहते हैं, आयुर्वेद के भी रहते हैं, अदर थेरेपीज के भी रहते हैं। कुछ चीजें कॉमन है हमारे लिए और वो हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए क्या करता है? एक दूसरा पहलू है कि हम मेडिकल के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं जरा यह जानना चाहूंगा कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो मैं छोटे छोटे चार पांच प्रश्न पूछता हूं तो उसे आपको भी अनुमान हो जाएगा और मुझे भी अनुमान हो जाएगा कि मेरे सामने बैठने वाले जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है। हम में से ऐसे विद्यार्थी जो प्रातःकाल सूर्योदय के पहले जाग जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं और व्हाट्सएप पर नहीं लगते, है कोई क्या? तो मेडिकल लाइन में कमी मिलते मुझे नहीं है, कोई भी नहीं है, ध्यान में आ गया। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि इनको क्या मालूम है हम कितनी देर रात तक पढ़ते हैं, कैसे जल्दी जल्दी तैयार होके आते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे वाले आपकी इसी सीढ़ी से चल के आगे गए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।